बहुत बड़ा योगदान है। और एक सभ्य और प्रगतिशील समाज में अनुशासन एक ऐसा पहलू है जो किसी भी समाज को सभ्य बनाता है, किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक व्यक्ति के करैक्टर में अगर डिसिप्लिन है तो चाहे धीरे धीरे ही सही, वो आगे जरूर बढ़ता है, जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। और धीरे धीरे ऐसे जो जीवन में अनुशासन को अपनाते हैं उनका जीवन भी विकल्प रहित संकल्प हो जाता है। यानी कि जब हम किसी काम के लिए संकल्प लेते हैं और उसमें कोई विकल्प नहीं आता है तो निश्चित रूप से हमारा संकल्प पूरा होता है। हम जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, जिस संकल्प की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, वो संकल्प भी हमको प्राप्त होता है, वो मंजिल भी हमको प्राप्त होती है, जो सपने हम देखते हैं वो सपने भी हमारे साकार होते हैं। मैं मानता हूँ जितना भी डिसिप्लिन और अपने लोगों की सेवा करने का जज्बा जो मैंने भी अपने जीवन में सीखा है, वो अपने पूज्य पिताजी से और फौज से सीखा, उसी के कारण से जो भी मैं आज समाज में अपना योगदान कर पा रहा हूँ, जितनी भी अपने राज्य की सेवा कर पा रहा हूँ, जो भी दायित्व मुझे मिला है उस दायित्व को आगे बढ़ा पा रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि सीमाओं की सुरक्षा के साथ ही किस अद्भुत साहस के साथ जो आईटीबीपी के जवान हैं वो विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं हैं उन आपदाओं में काम करते हैं, और कितने सारे बचाव अभियान में भी उनका बहुत अहम योगदान रहता है, बहुत सारी आपदाओं के समय में। और बहुत सारे ऐसे कालखंड होते हैं जब हमें आपात स्थिति में सामना करना पड़ता है, राज्य की सरकार की तरफ से भी हम भी जब भी हम अनुरोध करते हैं तो आईटीबीपी की पूरी कंपनियां, आईटीबीपी के जवान हमारे उस आपदा के समय में या कोई अन्य समय हो, जब उपद्रव करने वाले समय में जहां पर लोग अशांति फैलाने का काम करते हैं वहां पर भी आप सबके द्वारा योगदान दिया जाता है। मैं उन सभी जवानों को, विशेष रूप से उन सबको मैं नमन करता हूँ जिन्होंने इन राहत एवं बचाव अभियानों में भी अपनी जान गंवाई है, और उनके परिवार के लोगों के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है और ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि शीतकाल में कपाट खुलने के बाद हमारे चारों धामों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आईटीबीपी के सशक्त और जिम्मेदार हाथों में होती है, जो एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है। जिस प्रकार से बर्फबारी होती है, जिस प्रकार से शीतलहर चलती है, अनेक प्रकार की अन्य चुनौतियां भी वहां पर है, जिसका अभी आईजी संजय गुंजाल जी ने बहुत विस्तार से बताया कि कितने कठिन परिस्थितियों में हमारे आईटीबीपी के लोग काम करते हैं, हाई एल्टीट्यूड में पूरा मुस्तैदी के साथ काम करना बहुत ही, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। यहाँ हमारे उन बहादुर जवानों के परिवार भी उपस्थित हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए देश पर अपने प्राण निछावर किए थे। ऐसे वीर सैनिकों को आज मैं इस पवित्र भूमि के इस गौरवशाली मंच से सत सत नमन करता हूँ, सत सत मैं प्रणाम करता हूँ उनको। हमें गर्व है उस माँ पर जिसने देश की रक्षा के खातिर अपने बेटे को बलिदान किया, अपने लाल का बलिदान कर दिया। एक सैन्य परिवार में पैदा होने के कारण से मैं जब भी, अभी संजय जी कह रहे थे, क्योंकि मैं आज दिन भर वास्तव में बहुत प्रातःकाल लगभग 8 बजे से सारे सरकारी काम शुरू हो जाते हैं, उसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ तो राजनीतिक काम भी होते हैं, सामाजिक काम भी होते हैं, बहुत सारी अन्य प्रोग्राम्स भी बीच में लगे होते हैं। जब बीच में गुंजाल साहब मेरे पास आए थे तो मैं बहुत असमंजस में था उस समय, कि चूंकि आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शाम तक वापस देहरादून पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन आप सबसे मिलना था। और विशेष कर से क्योंकि सेना के साथ जो मेरा रिश्ता रहा है, सेना के साथ जो मैं बड़ा हुआ हूँ, सेना को देखते देखते बड़ा हुआ, सेना की जो पहले तो मैं कहूँ कि जो मासिक वेतन मिलता था उस वेतन से हमारी फीस जाती थी, उसके बाद
पेंशन से खींच जाती थी। तो इतना गहरा रिश्ता होने के कारण से मैं ये अवसर खोना नहीं चाहता था किसी भी कीमत पर कि आपके बीच में मैं ना आऊं। और मैं ये भी जानता था कि आप सबके बीच में मैं आऊंगा तो निश्चित रूप से मुझे जितनी खुशी आपको होगी उससे कहीं अधिक खुशी मुझे होगी, क्योंकि मैंने बचपन से सेना के परिवार के लोगों का संघर्ष देखा है, उनके दुख दर्द को नजदीक से देखा है। जिस प्रकार जिस समय हमारे सैनिक लोग, जिस समय हमारे जवान, उनके परिवार के लोग, अधिकारी, वो जब कोई आपात स्थिति होती है, कठिन स्थिति में वो जब घर से दूर होते हैं, तो उनके परिवार पर किस प्रकार उनका परिवार सोचता है, किस प्रकार का उनका एक मैं कहूं कि दर्द होता है, वो कोई महसूस नहीं कर सकता। वो वही महसूस कर सकता है जिसने उसको नजदीक से देखा होगा। और कई कई बार अपने जो छोटे बच्चे होते हैं, अपने पिता के गले में लिपटने के लिए किस प्रकार से व्याकुल होते हैं, और किस प्रकार उनकी माँ जब बेटे को दूर जाते हुए देखती है। और बहुत बार होता है कि जो माँ भारती की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो अपनी माँ की ममता को भी पीछे छोड़ देते हैं, बहन की राखी को भी पीछे छोड़ देते हैं, बच्चों का प्यार दुलार भी छोड़ देते हैं और वतन के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा हमने देखा है, नजदीक से मैंने देखा है। इसलिए उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में मेरा ये हमेशा से प्रयास रहा है कि सैन्य परिवारों के लिए, जिस दिन से भी मैंने काम शुरू किया है, उनके लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाई जाए, जिससे एक सैनिक युद्ध के समय में या अपनी पोस्टों पर, कठिन स्थानों पर काम करते हुए उसको परिवार की चिंता ना हो। परिवार की चिंता करने का काम एक तरह से हमने प्रयास किया है कि धीरे धीरे हमारे जिम्मे आ जाए, क्योंकि उनके जिम्मे तो देश की सीमाओं की रक्षा करना है, हम सब की रक्षा करना है। हमारी राज्य सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के दिशा निर्देशन में सैनिकों व उनके परिवारों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, उनको बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। हमने सैनिकों एवं उनके आश्रितों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाने से लेकर शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज्य सरकार के अधीन आने वाली नौकरियों में वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने का निर्णय भी इसी आशय से लिया था, जिसके बारे में संजय गुंज्याल जी ने बताया। इस मुहिम के अंतर्गत अभी हाल ही में हमारे बीच से, हमारे परिवार से, देहरादून से ही जिस प्रकार से टीकम सिंह नेगी जी ने सर्वोच्च बलिदान दिया था, हमने कोशिश की है कि ऐसे दुख के समय में, ऐसे संकट के समय में परिवार के लोगों के साथ खड़े हों, और निश्चित रूप से उनके बेटे हैं, परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं, उनके साथ वो अकेले नहीं हैं, पूरा परिवार, पूरा उत्तराखंड, पूरा समाज, पूरा देश उनके साथ है। इस प्रकार की एक प्रयास हमने किया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को दे जो एक मुफ्त धनराशि है, उस धनराशि में भी हमने वृद्धि की है। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों की वीरांगनाओं एवं वेटरन को पेंशन प्रतिमाह 8,000 रुपये से बढ़ाकर हमने 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनकी विधवाओं को प्रतिमाह जो पेंशन 21,000 रुपये थी, उसको भी बढ़ाकर हमने 25,000 किया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको यह भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आईटीबीपी की 16 नई अग्रिम गठित चौकियों के लिए जो आपने हमसे भूमि के लिए कहा है, जमीन देने के लिए, उनको जमीन उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये हर्ष का विषय है। अभी आपने बताया मुझे यहाँ से कि पिछले 6 महीनों में आईटीबीपी ने 6,000 से भी ज्यादा लोगों को भर्ती किया है। कितना? 7,000 की 6,000, लगभग 7,000 लोगों को भर्ती किया है। उत्तराखंड के युवा भी आईटीबीपी को ज्वाइन कर देश की सुरक्षा एवं सेवा का जो उनके अंदर जज्बा है, और यहाँ तो प्रदेश के अंदर, मैं हर एक मंच पर कहता हूँ कि उत्तराखंड जहाँ वीर भूमि है, उत्तराखंड जहाँ देवभूमि है, उत्तराखंड वहीं वीर भूमि भी है। क्योंकि यहाँ प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई सेना में है,
कोई पैरामिलिट्री फोर्सों में है, कहीं ना कहीं देश के अंदर अपनी सेवाएं देता है। और जो हमारे नौजवान युवा ऐसा जज्बा आईटीबीपी में जाने का रखते हैं, आईटीबीपी ने 434 विशेष भर्तियां उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में आयोजित की है, इसके लिए भी मैं आपका पूरे बल का सबका मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। मैं आज के इस अवसर पर सभी जवानों अधिकारीगणों के जज्बे को नमन करता हूं। एक बार फिर से यहां उपस्थित सभी अधिकारियों एवं बहादुर हिमवीरों को उत्तरी सीमांत मुख्यालय का जो आज ये बहुत ही शुभ दिवस है, स्थापना दिवस, इस स्थापना दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और बहुत अच्छा लगा कि चूंकि मेरा 2022 में ठीक क्योंकि जन्मदिन के अवसर पर कोई मेरा बहुत ऐसा नहीं रहता है कि मैं कोई अपने जन्मदिन पर बहुत कोई आयोजन करूं, लेकिन उस बार मुझे एकदम से ध्यान में आया कि यहाँ पर हमारे इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी सेवा, हमारे पूरे इतने लंबे सीमा पर हमारे आईटीबीपी के जवान, हमारे अधिकारीगण अपनी सेवाएं देते हैं, उनके बीच में मैं जाकर जरूर अपने जन्मदिन का ये विशेष दिन थोड़ा समय उनके बीच जाकर बिताऊं। मुझे बहुत खुशी हुई, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके पूरे यहाँ के हमारे जवानों ने, हमारे अधिकारियों ने और साथ में उनके पारिवारिक जनों ने, बच्चों ने भी आकर जो है उस दिन को विशेष दिन बनाने का काम किया था। मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ में जो 17 दिनों का पूरे विश्व ने जिस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखा और एक ऐसा कठिन चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन जो हमारे देश के विभिन्न विभिन्न स्थानों से आए हुए बड़े बड़े इंजीनियरों ने, बड़े बड़े विशेषज्ञों ने और देश विदेश की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने उसमें भाग लेकर उस अभियान को सफल बनाया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से उस पूरे अभियान में एक एक क्षण, एक एक पल की जानकारी लेकर जो भी हमको जरूरत थी, जो भी हमको उपकरण चाहिए थे, जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी, जो विशेषज्ञ चाहिए थे, वो सारे हमको उपलब्ध करवाए। वो रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ तो मुझे लगातार कई दिनों तक आईटीबीपी के मातली के कैंप में रहने का अवसर मिला और उसमें भी जितनी आत्मीयता के साथ उस कैंप के लोगों ने, आईटीबीपी के सभी जवानों अधिकारियों ने हमारा सहयोग किया, हमारा प्रोत्साहन किया, हमको बड़ा प्रोत्साहित किया कि नहीं, पूरा ऐसे संकट के समय में पूरा देश एक साथ खड़ा होकर आगे बढ़ा और हमको वहाँ पर उस ऑपरेशन में सफलता मिली। मैं उसके लिए भी आईटीबीपी की पूरी टीम को, वहाँ की टीम को जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में भी थे और उस कैंप के लोगों को और पूरे हमारे बल के हमारे शीर्षस्थ अधिकारियों समेत आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद और आज के इस अवसर पर बधाई देते हुए कुछ वीर सैनिकों को समर्पित कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जिनकी वीरता के आगे दुश्मन भी थर्राता है, जिनकी वीरता के आगे दुश्मन भी थर्राता है, जिनकी सुरक्षा में देश चैन की नींद सो पाता है, देश के प्रहरी हिम वीरों को कोटि कोटि प्रणाम है, देश के प्रहरी हिम वीरों को कोटि कोटि प्रणाम है। शौर्य दृढ़ता कर्म निष्ठा ही जिनकी पहचान है, शौर्य दृढ़ता कर्म निष्ठा ही जिनकी पहचान है। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।